दोस्तों आप लोग गलत तरीके से वीडियो अपलोड करते हो, इसलिए आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं। दो चार व्यूज आकर के रुक जाते हैं जो आप खुद वीडियो को देख लेते हो, नहीं तो किसी को शेयर कर देते हो। ठीक है, इसीलिए आपके वीडियो पर बिल्कुल भी व्यूज नहीं आता है, क्योंकि आप गलत तरीके से वीडियो अपलोड करते हो। यहां पर देखिए मेरी वीडियो, देखिए 22 घंटे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, देखिए 13,000 व्यूज आ गए हैं। इसका देखिए एरो ऊपर में है। और जब वीडियो को अच्छे तरीके से अपलोड किया जाता है तो वीडियो पे व्यूज भी अच्छे तरीके से आता है, लाइफ टाइम तक व्यूज अच्छे तरीके से आता है, और उसी से आपके चैनल पर सब्सक्राइबर वॉच टाइम भी बढ़ता है, व्यूज भी आता है। ठीक है, एक दिन पहले मैंने अपलोड किया था, देखिए 13,000 व्यूज आए हैं। दो दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, देखिए 20,000 व्यूज आए हैं। अब कैसे आ गए, आखिर कुछ तो मैं यहाँ पर अपने वीडियो में करता हूँ जिसकी वजह से मेरे वीडियो पर अच्छे खासे व्यू आते हैं और मेरा सब्सक्राइबर बढ़ते जाता है, आज मैं बड़ा यूट्यूबर बन गया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से पता है कि वीडियो को कैसे अपलोड किया जाता है। और आप लोग के वीडियो पर व्यूज इसलिए नहीं आता है, आपके वीडियो पर सिर्फ दो चार व्यूज इसलिए आके रुक जाता है और आपकी वीडियो आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं पता है कि वीडियो कैसे अपलोड किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी वीडियो को सही तरीके से, यानी कि प्रोसेस, सही प्रोसेस से आप अपलोड कैसे कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जब अपनी वीडियो को बना लेते हो, आप कोई भी वीडियो जो भी बनाइए अच्छे तरीके से वीडियो बनाइए, वीडियो को बनाने के बाद एडिट वेडिट कीजिए, एडिट करने के बाद में जब वीडियो अपलोड करने की बारी आती है तो कई सारे लोग क्या करते हैं, गूगल क्रोम से अपलोड करते हैं जिनके पास में कंप्यूटर है। चलिए कंप्यूटर का बात छोड़ देते हैं, क्योंकि 99% लोग मोबाइल से वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, मैं भी, कंप्यूटर मेरे पास है लेकिन मैं भी मोबाइल से वीडियो अपलोड करता हूं। तो मोबाइल से वीडियो अपलोड करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप अपने YouTube के एप्लीकेशन से ही वीडियो अपलोड कीजिए। ठीक है, तो YouTube ओपन कीजिए। अब यहाँ पर प्लस वाला आइकन यहाँ पर आपको दिखता है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। आपने जो भी वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो को हमें अपलोड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए क्रिएट अ शॉर्ट्स और अपलोड अ वीडियो, तो हमको अपलोड अ वीडियो पर क्लिक करना है। अपलोड अ वीडियो पर क्लिक करने के बाद में जो वीडियो मैंने बनाया हुआ, यानी कि जो वीडियो आपने बनाया हुआ है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, एडिट इनटू अ शॉर्ट्स, ठीक है, और यहां पर नेक्स्ट। तो हमको यहां पर शॉर्ट्स नहीं, यानी कि हमें को लॉन्ग वीडियो अपलोड करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहां पर क्या है कि आपको टाइटल आ गया है, थंबनेल भी यही लगाने का एक ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर एड अ डिस्क्रिप्शन, विजिबिलिटी, ऑडियंस, लोकेशन, एड अ प्लेलिस्ट, ठीक है, इतना सारा यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है। अब ये सब खाली है। कई सारे लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि बस वीडियो को यहीं किया, अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद में फिर जा करके YT स्टूडियो पे करते हैं। लेकिन YT स्टूडियो में जो काम करना है वो आपको मैं अलग बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो काम करना है उसको चीज़ों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। यार देखो वीडियो अच्छी बता रहा हूँ यार, लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको इस चैनल पर ले आकर के देता रहूँगा जो हमेशा आपको टाइम टाइम मिलती रहेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करना। ठीक है, तो अपलोड पर क्लिक कर लिया। अपलोड पर यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, तो फिर यहाँ पर अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, आखिर मेरी वीडियो का टॉपिक क्या है, वीडियो अपलोड हो रही है, प्रोसेस में जा रहा है ये वीडियो, यूट्यूब वीडियो को प्रोसेस करेगा, तो जब वीडियो प्रोसेस करेगा तभी तो YouTube को पता चलना चाहिए कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है, वरना वो क्या समझेगा, वो वीडियो को इसी तरह से प्रोसेस कर देगा। अब प्रोसेस करने के बाद आप यहां पर टाइटल वाइटल लगाओ तब क्या फायदा पड़ता है। अभी जैसे मान लीजिए ये शर्ट है, ठीक है, शर्ट वर्ट पूरे तरीके से बन गया है, अच्छे तरीके से यहां पर पूरा सिलाई उलाई हो गया है, सिलाई बनने के बाद यहां पर पॉकेट लगाया जा रहा है, तो खराब तो लगेगा ना भाई, खराब लगेगा। ठीक है, सब कुछ होने के बाद यहां पर कॉलर बनाया जा रहा है, मतलब शर्ट पूरे तरीके से सिल गया, इसके बाद कॉलर अलग से ऐड किया जा रहा है, तो कोई मतलब नहीं होता ना भाई, खराब लगेगा, शर्ट को कोई नहीं पहनेगा, तो वही वाला हाल इसमें। तो देखिए यहां पर वीडियो हमने यहां पर इस तरह से किया, तो अब ये वीडियो किस टाइप की है। अब जैसे मान लीजिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब चैनल क्रिएट कैसे करें, तो यहां पर लिखूंगा मैं हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, इतना मैंने कर दिया। तो अब इतना करने के बाद में हमको यही वाला सिंपल सा क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में यहां पर हमें डिस्क्रिप्शन में लगाना है, ठीक है, इस तरह से डिस्क्रिप्शन में लगाना है। लगाने के बाद में अब हम जब इस वीडियो को अपलोड करेंगे ना, तो YouTube जब इसको प्रोसेस करने लगेगा तो YouTube के कीवर्ड में, यानी कि YouTube के एल्गोरिदम में यह पता चल जाएगा कि यह वीडियो है, बताया जा रहा है इस वीडियो के बारे में, मतलब ये वीडियो है किस टॉपिक में, कि यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करना है, इस टॉपिक पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। जब वो प्रोसेस करेगा ना, तो आपकी 50% वीडियो जो है यूट्यूब समझ लेगा कि हमें इस वीडियो को किस ऑडियंस के पास में भेजना है, क्योंकि आपने यहाँ पर कीवर्ड लगाया हुआ है क्रिएट यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो यहां पर हम फटाक से क्या करेंगे, अपलोड पे क्लिक कर देंगे। यहां पर हमको अनलिस्टेड ही वीडियो रहने देना है, कभी भी हमको प्राइवेट पे वीडियो अपलोड नहीं करना है, अनलिस्टेड पे वीडियो अपलोड करना, ठीक है, पब्लिक मत करना, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, अनलिस्टेड पे क्लिक करके, और इसके बाद यहां पर ऑडियंस,
ऑडियंस पे यहां पर आना है तो यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, इट्स मेड फॉर किड्स और इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। तो हम अपनी वीडियो को सभी को दिखाना चाहते हैं, यानी कि छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सब कोई देख सकता है। ठीक है, हम कुछ चीज सिखा रहे हैं तो हमारी वीडियो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो कुछ भी हो सब कोई देख सकते हैं। तो हमें इट्स नॉट फॉर किड्स यानी कि ये बच्चों के लिए नहीं है, इसका मतलब ये सभी के लिए है। और ये ऊपर वाला क्या ऑप्शन है, ये इट्स मेड फॉर किड्स। अगर मान लीजिए आप कखा गगा ये सब छोटे बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर आप इट्स मेड फॉर किड्स कर सकते हो, वो बच्चों के पास में ज्यादा जाएगा। ठीक है, जो जिनका YouTube अकाउंट जो है वो 13 साल से कम है, 14, 15, 12, 13 साल से, उनके पास में ये वीडियो जाएगी, यानी कि छोटे छोटे बच्चे आपकी वीडियो को देखेंगे। तो यहाँ पर हमको दूसरा नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देखिए एज रिस्ट्रिक्शन है, जैसे मान लीजिए आप कोई वीडियो बनाते हो और वो 18 साल से कम वाले नहीं देख सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है यस रिस्ट्रिक्ट माय वीडियो टू व्यूअर ओवर 18, मतलब हमारी वीडियो को ऐसे लोगों के पास में मत भेजो जो 18 से कम साल के हैं। ठीक है, और दूसरा यहां पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा यस नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माय वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18। अब जैसे मेरी वीडियो देखिए, मेरी वीडियो कोई भी देख सकता है, जो एक दिन का पैदा हुआ बच्चा है ना वो भी अगर नहीं देखना चाहे वो भी मेरी वीडियो को इस तरह से करके देख सकता है, क्योंकि मैं कुछ चीजें सिखा रहा हूं। तो यहां पर मैं अपनी वीडियो को सभी लोगों के पास में भेजना चाहता हूं, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माय वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18, यानी कि मेरी वीडियो को किसी के पास में जाने से रोको मत। तो यहां पर मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर दूंगा। सेलेक्ट करने के बाद में इतना सारा हो गया, लोकेशन अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो लोकेशन आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर हमको इस तरह से अपलोड कर देना है। अब हमारी ये जो वीडियो है जब तक अपलोड हो रही है, हम यहां पर इस तरह से इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करके देखोगे तो यहां पर देखिए ये जैसे वीडियो अपलोड होती है ना, यहां पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं, देखिए 75% अबाउट 4 सेकंड रिमेनिंग, ये अपलोड हो रही, अपलोड होने के बाद में यहां पर देखिए प्रोसेस अभी क्या होगा, ये अपलोड हो गई, ये देखिए प्रोसेसिंग हैज बीन स्टार्टेड। ठीक है, 0% प्रोसेस, ये देखिए कई सारे लोग क्या करते हैं फटाक से, कई सारे लोग क्या करते हैं कि बस वीडियो को फटाक से अपलोड किया, वहां पर प्रोसेस कुछ नहीं देखा, वाइट स्टूडियो में आते हैं, वाइट स्टूडियो में तो दिखाएगा कि भाई आपकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, वहां पर ये नहीं दिखाता कि प्रोसेसिंग। लेकिन जब इसको आप यहां पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए कुछ भी नहीं दिखाता कि आपकी वीडियो प्रोसेस में हो रही है, क्या हो रही है। हां, हालांकि अभी यहां पर दिखाने लगा कि आपकी वीडियो 2-3 मिनट में प्रोसेस में हो गई है, इसके बाद आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा तब आप करो, लेकिन देखिए वीडियो प्रोसेसिंग हो रहा है और प्रोसेसिंग में आपको यहां पर कुछ भी थंबनेल यहां पर नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो अब हमने अपने वीडियो को अपलोड कर दिया, यहां पर लिखा है हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल, इसके बाद इसको हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए डिस्क्रिप्शन में भी हमें लिखा गया कि हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल। अब देखो यहां पर देखिए थंबनेल आ गया। ठीक है, यानी कि वीडियो पूरी तरह से प्रोसेस हो चुकी है। अब हमको यहां पर नेक्स्ट काम करना है। नेक्स्ट काम क्या करना है, अनलिस्टेड पे ही रहने देना है। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं बनाया है तो प्लेलिस्ट अगर बनाया है तो यहां पर आप प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हो। प्लेलिस्ट अगर नहीं बनाने आता कि प्लेलिस्ट हमें अपने यूट्यूब चैनल पर कैसे बनाना है तो नीचे आप कॉमेंट करो। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा प्लेलिस्ट कैसे बनाया जाता है। इसके बाद यहां पर आप देखिए मोर ऑप्शन आपको दिखा है। ठीक है, मोर ऑप्शन में यहां पर क्या लिखा है, कैटेगरी, इसके बाद कमेंट्स दिखा है और हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक एंड डिसलाइक, इसके बाद अलाउ एंडिंग। यहां पर आपको 3-4 ऑप्शन मिलते हैं जो आपको यहां पर ध्यान से समझना चाहिए। एड टैक्स में आपको यहां पर क्या करना है, जैसे मान लीजिए वीडियो का टॉपिक किस चीज से है, हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, तो यहां पर हमें उसी वीडियो का टैग लगाना पड़ेगा। तो यहां पर हमको सबसे पहले जो हमने वीडियो में सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है ना हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, इसको यहां पर कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में हमको यही सेम इस यहां पर लगाना है। अब इसका क्या होगा, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल हो गया, टाइटल में भी हो गया, डिस्क्रिप्शन में भी हो गया और हमारे टैग में भी हो गया, यानी कि तीनों चीजें मैच कर गई हैं। और जब कोई YouTube पे सर्च करेगा हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल तो आपके सबसे पहले टाइटल से मैच होगा, डिस्क्रिप्शन से मैच होगा और टैग से मैच हो जाए। जब तीनों मैच हो जाएगा ना तो आपकी वीडियो सर्च में फटाक से आ जाएगी, और जब सर्च में चली गई तो आपकी वीडियो पर लंबे समय तक व्यूज आता रहेगा। आपको टेंशन ही भूल जाना पड़ेगा कि यार भाई मेरी वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे, हमेशा व्यूज आता रहेगा। क्योंकि जो कोई भी नया यूट्यूबर आएगा, जो कोई भी नया यूट्यूबर बनना चाहेगा, अपना चैनल क्रिएट करना चाहेगा, वो सर्च करेगा हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, तो यहां पर आपका वीडियो फटाक से आ जाएगा, लाइफ टाइम तक उस पर व्यूज आता रहेगा। ये हो गया, ठीक है, इतना काम आपका हो गया। यहां पर आपने टाइटल लिख दिया, यहां पर आपने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, इसके बाद में यहां पर आपने टैग लगा दिया, इसके बाद में यहां पर आपको सेकंड काम करना है कैटेगरी, आपका कौन सी कैटेगरी है। तो यहां पर देखिए ऑटो व्हीकल, कॉमेडी, एडुकेशन, एंटरटेनमेंट, फिल्म एनिमेशन, कौन सी कैटेगरी आपका। अगर आप ब्लॉग बनाते हो तो पीपल एंड ब्लॉग में, अगर आपका टेक चैनल है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया कि हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, तो मैंने कुछ सिखा रहा हूं, तो यानी कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ जाता है, यानी कि मैं कुछ बता रहा हूं, तो यहां पर साइंस एंड टेक,
ए हो गया, यहां पर मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर दिया। अब यहां पर कमेंट्स का ऑप्शन दिया गया है, कमेंट्स के ऑप्शन में यहां पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर आपको क्या दिया है, अलाउ टू ऑल कमेंट्स, यानी कि आप अपने वीडियो को अपलोड कर दीजिए, जो कोई भी आपकी वीडियो को देखे वो कुछ भी आपको कमेंट कर सकता है, मतलब कुछ भी, आपको अच्छा भी बोल सकता है, आपको बुरा भी बोल सकता है, कुछ भी यहां पर कमेंट कर सकता है। तो यहां पर आप अलाउ कमेंट्स कर सकते हो। और यहां पर आपको दूसरा ऑप्शन क्या मिला है, होल्ड पोटेंशियल इन अप्रोप्रिएट कमेंट्स फॉर रिव्यू। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपकी वीडियो पर जो कमेंट्स, जो आलतू अच्छा कमेंट करेंगे तो वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपको दिखेगा, लेकिन जो आलतू फालतू कमेंट करेंगे वो कमेंट्स आपके हेल्ड फॉर रिव्यू में चला जाएगा, यानी कि जब तक आप उसे अप्रूव नहीं करोगे वो कमेंट आपको दिखेगा नहीं, वो कमेंट रुक जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको देखिए लिखा हुआ है, कमेंट्स दैट मे बी स्पैम, सेल्फ प्रमोशन, गिब्रिश एंड अदरवाइज पोटेंशियल इनअप्रोप्रिएट विल ऑटोमेटिकली बी हेल्ड फॉर रिव्यू इन यूट्यूब स्टूडियो एंड विल ओनली बी पब्लिश्ड इफ यू आर अप्रूव्ड। यानी कि जो आपको आलतू फालतू बोलेंगे, गाली गलौज देंगे, तो वो सारी वीडियो, वो सारा कमेंट रुक जाएगा जब तक आप उसे पब्लिश नहीं करोगे। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर देखिए इनक्रीज स्ट्रिक्टेड दिया हुआ है, आप अपने कॉमेंट्स को और भी ज्यादा मतलब सिक्योर कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हेल्ड ऑल कमेंट्स फॉर रिव्यू, इसका मतलब होता है कि आप कमेंट्स को रोक दीजिए, सभी को रोक दीजिए, जितने लोग कमेंट्स करेंगे वो कमेंट्स तो वो कर पाएंगे, लेकिन जब तक आप अप्रूव नहीं करोगे वीडियो के नीचे दिखेगा नहीं। ठीक है, इसके बाद डिसेबल कमेंट्स, अगर आप वीडियो बना रहे हो, आप चाहते हो कि कोई वीडियो को आपका ना, आपकी वीडियो पर नीचे कोई भी कमेंट ना करे, तो यहां पर आप डिसेबल कमेंट्स भी कर सकते हो, आपकी वीडियो चलती रहेगी, कोई भी कमेंट्स आपको नहीं कर पाएगा। यहां पर लिखा है कमेंट्स आर टर्न ऑफ, इस तरह से लिखा आएगा। तो यहां पर हम भैया क्या करेंगे, अपने चैनल पर हम चाहते हैं कि वीडियो पर नीचे कमेंट करें लेकिन आलतू फालतू कमेंट्स ना दिखे, ये हो गया। इसके बाद यहां पर इतना आपने कर दिया, यहां पर देखिए एक ऑप्शन है, सो हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो, अगर इसको आपने टिक कर दिया तो जितने लोग लाइक करेंगे वो दिखाई देगा, अगर इसको आपने अनटिक कर दिया तो जितने लोग लाइक करेंगे वो आपको वीडियो में नहीं दिखेगा। तो यहां पर आपको शो करना है, हाँ मेरी वीडियो को कितने लोग लाइक करेंगे वो तो दिखना चाहिए, ये हो गया। अब इसके बाद यहां पर देखिए दो ऑप्शन मिलता है, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस और एक होता है क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूट। अब जैसे इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब आप लोग नहीं जानते होंगे क्या होता है आखिर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं ये स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस में आ गया है, मेरी वीडियो को मैं अपने चैनल पर डाल करके मोनेटाइज कर सकता हूं, अनदर किसी को जब तक मैं परमिशन दूंगा वो कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। मैं कॉपीराइट भी क्लेम भी दे सकता हूँ, कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को क्यों यूज किया, लेकिन मैं ऐसा करता नहीं हूँ कभी भी, ना मैं करूँगा। और यहाँ पर नीचे एक है क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन, इसका मतलब ये होता है कि इस लाइसेंस के अंदर में ये एक लाइसेंस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, लाइसेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक लाइसेंस है। तो यहाँ पर दो लाइसेंस YouTube देता है, एक स्टैंडर्ड YouTube लाइसेंस होता है, एक क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन होता है। स्टैंडर्ड लाइसेंस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आप इस लाइसेंस के अंतर्गत में कोई भी वीडियो अपलोड करते हो तो आपके चैनल से कोई भी आपकी वीडियो को डाउनलोड करके कहीं भी यूज कर सकता है या अपने वीडियो में भी यूज कर सकता है। क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन का मतलब यही होता है, जिनके चैनल की कैटेगरी आप देखोगे क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन है, उनकी वीडियो को आप बेधड़क अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो, कभी भी कोई कॉपीराइट YouTube नहीं देगा, ना कभी स्ट्राइक आएगी, क्लेम आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, आप अर्निंग भी कर सकते हो। तो आपको हमेशा स्टैंडर्ड YouTube लाइसेंस में रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप ब्लॉग बनाते हो, टेक चैनल है, तो इन सब में आपका अर्निंग आप अपने वीडियो से कर सकते हो। और इसके बाद है नीचे वाला एक ऑप्शन था अलाउ एम्बेडिंग, इसके बारे में 90% लोगों को नहीं पता होगा कि आखिर ये ऑप्शन है किस लिए। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, अलाउ एम्बेडिंग, अगर इसको मैं अनटिक कर देता हूं तो यहां पर आपको व्यूज कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा वो चीज मैं बता रहा हूं। देखिए यहां पर आप जैसे ही मैं बैक चला जाता हूं, बैक चले जाने के बाद यहां पर आप देखिए, ये देखिए ये सब जो वीडियो है, यहां पर YouTube की बहुत सारी वीडियो आ जाती है। ये देखिए ये वीडियो आ गई ना, ये देखोगे यहां पर मौज की आ गई, लेकिन ये देखो YouTube की वीडियो है। और भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ये देखिए जैसे मान लीजिए ये एक वीडियो है, यहां पर देखिए जैसे इसमें मैं क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद देखिए ये डायरेक्ट मैं YouTube पर, अब यहां पर इससे क्लिक करूंगा तो ये मुझे डायरेक्ट लेकर के वहीं से YouTube पर चलाएगा। तो ये कैसे होता है, ये इसी ऑप्शन से होता है, आपने यहां पर जो मैंने आपको बताया, अगर आप इस तरह से यहां पर इसको क्लिक कर दोगे, टिक कर दोगे, तो आपकी वीडियो यहां पर भी आ सकती है। ठीक है, और इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा व्यूज मिलेगा। ये देखिए ये YouTube का ही है और YouTube का पेज यहाँ पर इस वीडियो पर, इस पेज पे भी आ जाता है, वो इसका मतलब यही होता है अलाउ एम्बेडिंग। और आपको अपने हर वीडियो में अलाउ एम्बेडिंग करना चाहिए, हो सकता है कोई ना कोई वीडियो अगर आपके इस अलाउ एम्बेडिंग में चली गई तो आप समझ लीजिए कि व्यूज की बरसात हो जाएगी, आपकी वीडियो वायरल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इतना सारा प्रोसेस होता है। और यहाँ पर नीचे एक लास्ट ऑप्शन है डिलीट फ्रॉम वीडियो यूट्यूब, आप यहाँ से अपनी वीडियो को डिलीट कर सकते हो। तो इस तरीके से वीडियो को अपलोड किया जाता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन,
टैग कैसे लगाया जाता है, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें अगर ये सब बताने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको, आपको वीडियो अपलोड करने का ये जो तरीका है, क्या इस तरह से आप वीडियो अपलोड करते थे, इतना सारा प्रोसेस आपको पता था, सारी चीज़ें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक की, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।